देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हंसा चिन्ह लेकर आया हूं देश का सवाल। आज सदन चल रही है, संविधान की बात चल रही है, हर कोई संविधान की कॉपी लेकर भी पहुंच रहा है, संविधान पर ही हाथ रख के दुहाई दी जा रही है, संविधान की कसम खाई जा रही है। अब 50 साल पहले की बात करते हैं, उस संविधान को बीजेपी कह रही है, पीएम कह रहे हैं कि याद रखना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड वाली एक जंग छिड़ गई, घोषित इमरजेंसी और अघोषित इमरजेंसी वाली सियासी लड़ाई छिड़ गई है। आपातकाल को याद करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया, कहा कि 50 साल पहले संविधान को कुचला गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फौरन पलटवार किया और यह कह दिया कि हमने अगर संविधान को कुचला था तो आप सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, पिछले 10 साल से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। यह लड़ाई तब और बढ़ गई जब विपक्ष के नेता संसद में संविधान की कॉपी लेकर के पहुंचे, कांग्रेस के नेता संविधान की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने ही तो इमरजेंसी लगाई थी, उसका जवाब यह तो नहीं हो सकता कि 10 साल से अनडिक्लेयर्ड है। तब तो तमाम पत्रकार जेल में डाल दिए गए थे, लाखों लोगों को पकड़ करके नसबंदी कर दी गई थी, आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था, कितने लोगों को घरों में छिपना पड़ा था, कितने पत्रकारों को जेल डाला गया था, कितने दफ्तरों की बत्ती गुल हो जाती थी, तमाम चीजें प्रताड़ना हुई थी। तो देश वो काला चैप्टर याद रखना चाहेगा या नहीं रखना चाहेगा, हमने वो देखा नहीं है। जिनकी आंखों से देखा है हम उनसे वो बयान सुनेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आपातकाल पर आर पार, 50 साल पहले लगा आपातकाल, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने देश में लागू रही इमरजेंसी। 1975 में लगाए गए आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए हैं। इमरजेंसी वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रहती है और कांग्रेस मामले पर चुप्पी साधे रहती है। 18वीं लोकसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होते ही पीएम मोदी ने संसद भवन परिसर में आपातकाल पर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने आपातकाल की याद दिलाते हुए इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र में काला धब्बा कहा। उन्होंने कहा कि अब किसी की ताकत नहीं जो इमरजेंसी लगा दे। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। पीएम मोदी के बयान के बाद इमरजेंसी को लेकर कई सांसद और नेताओं के बयान आए। आरपीएए के अध्यक्ष और बीजेपी के एनडीए गुट में शामिल रामदास आठवले ने कहा कि 25 जून भारतीय इतिहास में वो काला दिन है जिस दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी। ये संसद है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कभी ऊपर नीचे होता ही है। भारतीय जनता पार्टी के 1982 में 2 MP थे और भारतीय जनता पार्टी कई साल तक अपोजिशन में रही, लेकिन अभी वो 10 साल की सत्ता में आई है तो उन्होंने बताया कि हम सबको लेकर आगे चले गए। विपक्ष भी लोकतंत्र का एक पार्ट होता है, विपक्ष को साथ में लेकर भी चले गए, उन्होंने बताया है। और 25 जून जो दिन है, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू की थी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी, संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, इसीलिए इसको काला दिन उन्होंने बताया, ये बात सही है। रामदास आठवले के अलावा इमरजेंसी को लेकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक में जेडीएस के अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। कहा वो लोग हाथ में संविधान लेकर संविधान की दुहाई दे रहे हैं जिन्होंने 25 जून को संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। What has happened at that time? These are all only gimmicks.
What has happened? Any violation is there? Unnecessarily, this kind of thing is not going to be to lift the merit of the inside the parliament. इमरजेंसी को लेकर बीजेपी देश भर में काला दिवस मना रही है, वहीं कांग्रेस हाथ में संविधान को लेकर संविधान की दुहाई देकर बीजेपी को संसद से सड़क तक घेरने की कोशिश कर रही है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि केंद्र की सरकार संविधान की अनदेखी कर रही है और उन्हें संविधान को लेकर लोगों का साथ मिल रहा है। देखो, 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट, इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। इमरजेंसी का नाम लेते हुए वो वर्तमान में देश में जो वास्तविक समस्या है उसको छुपाने और दबाने का काम करना चाहते हैं। मणिपुर में क्या स्थिति है क्या वो नहीं जानते? जम्मू में क्या हो रहा है क्या वो नहीं जानते? गर्मी के कारण कितनी लोगों की मृत्यु हुई है क्या वो नहीं जानते? पूरा शिक्षा विभाग एकदम सबसे भ्रष्ट विभाग अगर देश में कोई है तो वो आज का शिक्षा विभाग है। एक तरफ कांग्रेस संसद में संविधान को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में है, वहीं दूसरी ओर इमरजेंसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ऐसे में देश का सवाल इन्हीं सवालों के साथ, वक्त बहुत बीत चुका है, 50 साल कोई एक पूरी जनरेशन जो है वो चेंज हो जाती है। पूरी जनरेशन कैसे हमने देखा कि वो पूरी जवानी काट देती है, बुढ़ापे की तरफ वो बढ़ने लगती है, लेकिन अगर उसने इमरजेंसी झेली है क्या वो दोबारा उसको याद रखना चाहेगी? पीएम कह रहे कि देश को याद रखना चाहिए, उन्होंने याद दिलाई। कांग्रेस अब संविधान की कॉपी लेकर क्या आई है, संविधान बचाने की बात करती है, लेकिन क्या देश का सवाल यही है कि संविधान की दुहाई से इमरजेंसी के दाग धुल जाएंगे? दूसरा सवाल, आपातकाल पर सवाल से तिलमिला क्यों गई कांग्रेस? सब डिक्लेयर अनडिक्लेयर के नाम पर कहने लग गए, लेकिन ये तो हकीकत है देश के सामने कि पहले ये इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने। संविधान के नाम पर क्या सियासत हो रही है क्या, ये भी सवाल है। अब जिन्होंने आपातकाल लगाया अब वो कह रहे हैं कि आफत काल हो गया, जॉब की बात कर लो, गर्मी की बात कर लो, आफत काल है, नीट की बात कर लो, इमरजेंसी की बात मत करो। घोषित इमरजेंसी और अघोषित इमरजेंसी वाला संग्राम क्यों छिड़ गया है? अभी तो सत्र की शुरुआत ही हुई है। विजय शर्मा है हमारे साथ बीजेपी से, अनिल यादव हैं कांग्रेस से, आलोक मेहता जिन्होंने वो दौर देखा है, सहा है, भुगता है, हम उनसे जानना चाहेंगे। एक निष्पक्ष आवाज हमारे साथ के शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन सबसे पहले विजय जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। इतिहास में कुछ चीजें काली होती हैं, आदमी कई बार नहीं याद करना चाहता। इंदिरा गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक की जनरेशन आ गई, क्यों मोदी जी कह रहे हैं कि ये याद रखना चाहिए जो उस वक्त कांग्रेस की इमरजेंसी थी, क्यों याद करवाना चाह रहे हैं वो काला दिन जो हमने नहीं देखा, शायद एक जनरेशन ने नहीं देखा, वो क्यों काला दिन देखें जो कांग्रेस ने लगाया था? वो तो अब लेकर के आ रही है संविधान। देखिए सचिन जी, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को, जिनका जन्म उसके बाद हुआ, जिनको याद नहीं है कि उस टाइम किस तरह से संविधान को कुचलने का काम किया गया, किस तरह से उस टाइम निर्दोषों को जेल में भेजा गया। एक ही रात में जिस दिन ये इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, उस दिन 9000 निर्दोष लोगों को, जिनमें एलके अडवाणी, वाजपेयी जी, सारे नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, उनको जेल में डाल दिया गया। और ये इमरजेंसी किसी ने लगाई थी, इमरजेंसी कब लग सकती है, इस पे विचार करना होगा। देखिए इमरजेंसी क्यों लगी थी कि उससे 10 से 15 दिन पहले जो इंदिरा गांधी जी धनबल के आधार पर इलेक्शन जीतने का जो इन्होंने काम किया था, उस रायबरेली की सीट पर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने इनका
जो चयन हुआ था उसको निरस्त कर दिया था, तो इन्होंने वो सारी चीजें देश के ऊपर थोप दी और देश के ऊपर जो कुचलने का काम किया, आप जैसे पत्रकार, आप तो नहीं थे उस टाइम, जैसे आप जैसे पत्रकार थे उनको जेल में डालने का काम किया, जो देश के लोगों के मौलिक अधिकार थे वो छीन लिए गए, लोगों पे उल्टे सीधे मुकदमे दर्ज किए गए, तो उस टाइम ये लगाइए आपके ये देश के कलंक है, मैं तो कहता हूँ माथे के ऊपर कलंक है। और किस तरह से कांग्रेस ने, ये एक ही बार नहीं है, इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन के तहत कैसे धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा संसार इसके अंदर, अपना संविधान के अंदर, और किस तरह से इन्होंने 90 बार देश में राष्ट्रपति शासन लगाया। आज हमारी 10 साल सरकार हो गई, आपने जम्मू कश्मीर को छोड़ दें, और जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा होगा हमने वहां 370 और 35 है जो इनके द्वारा लगाई गई थी, उसको हटाने के लिए हमने ये सारा कार्य करना पड़ा। और अब मोदी जी ने घोषणा कर दी है वहां बड़ी जल्दी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इस तरह से इन लोगों ने जो देश में एक, आप, मैं ये कहता हूं कि पूरे दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी जो है उसके लिए ये एक हमारा जो देश है उसका राष्ट्रपति आते हैं अमेरिका के, वो भी यही कहते हैं कि भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और आज से नहीं सदियों से इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जी लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, यानी कि 50 साल आपको ये लगता है कि देश शर्मसार हुआ था और वो इमरजेंसी लगाई थी कांग्रेस ने, और मेरे को नहीं लगता कि उस वक्त अनिल भाई, शायद आप भी उस वक्त रहे होंगे, वो काल देखा होगा, तो शायद इसलिए याद करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो मैं यही समझूं कि उस वक्त क्योंकि कांग्रेस ने संविधान को कुचला था, भाई इमरजेंसी तो लगी थी जो कि संविधान में उसका जिक्र नहीं है, तो इसी कारण से आज संविधान बचाने की बात हो रही। सचिन जी, ये ना बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और मुझे लगता है कि इसके दो पहलू हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता है। पहला तो ये कि प्रधानमंत्री जी ने बयान क्यों दिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि 18वीं लोकसभा पहली बार आउट हुई और वहां पर पहली बार प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, तो उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र कर दिया। 15 दिन हुए सरकार को बने हुए और 15 दिन में देश में हाहाकार मच गया है। ट्रेन हादसा किसी से छुपा हुआ नहीं है, पहले वेस्ट बंगाल का, नीट की परीक्षा, यूजीसी नीट और पीजी नीट, नेट का तो पता ही नहीं चल रहा है, पोस्टपोन हो गई कोई परीक्षा। आपने देखा कश्मीर में आतंकी हमले हो गए, छत्तीसगढ़ में जवानों की हत्या हो गई, नक्सलाइट हमला हुआ वहां पर भी, तमाम तरह के, मतलब 15 दिन के अंदर खाद्य पदार्थों के रेट बढ़ गए। तो क्योंकि वो जानते हैं कि विपक्ष इस बात पूरी गर्मजोशी से है और इन मुद्दों पर जवाब मांगेगा, तो उन्होंने पूरा का पूरा मुद्दा डाइवर्ट कर दिया। अब क्योंकि बात आती है, क्योंकि इस पर जवाब ना देना पड़े इसलिए ये चर्चा शुरू कर दी, लेकिन क्योंकि आपातकाल बहुत इंपॉर्टेंट इशू है तो इस पर डिस्कशन होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप उसे काले करना, काले उसको दाग कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस 10 साल को भी पूरी कालिक कहेंगे जो लोकतंत्र के मुंह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पोती गई। अभी जो सज्जन बोल रहे थे, कह रहे थे कि भाई वहां पर बहुत अरेस्टिंग हुई, विपक्ष के नेताओं को सबको जेल में डाला गया, इस सरकार ने भी चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला है। अगर विपक्ष के नेताओं की बात करी जाए तो 96% मुकदमे सीबीआई, ईडी, आईटी के जो मुकदमे हैं वो विपक्ष के नेताओं पे हैं। आपने तो संसद के एक सत्र में 150 से ज्यादा सांसदों को बाहर कर दिया, सस्पेंड कर दिया। मणिपुर राज्य पूरा का पूरा जलता रहा, दो महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, प्रधानमंत्री एक बार नहीं बोले, तो क्या मणिपुर के लिए आपातकाल नहीं है? उन छात्रों को, जो लाखों छात्र जो तैयारी कर रहे हैं सालों साल, उनके परिवार आस लगाए बैठे, उनके पेपर लीक हो गए, पोस्टपोन हो गए, उनके लिए आपातकाल नहीं है? बहुत बड़ी इशू, एकमात्र सरकार, बहुत बड़ी इशू है, बहुत बड़ी बात यह है सचिन भाई, एकमात्र बात यह है, एक ये सरकार ऐसी है जहां पर किसी कानून का विरोध करने पर 700 किसानों की मृत्यु हो गई। आप बताइए, बहुत बड़े इशू है, बहुत बड़े इशू है। और नहीं, अब देखते हैं उसको, नहीं ठीक है, एक छोटा सा, फिर उसके बाद मैं आलोक जी के पास आता हूं क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा। मैं एक छोटा सा काउंटर लेना चाहता हूं। तो ये सारे इश्यूज हैं, बिल्कुल है, महंगाई है, गर्मी है, नीट है, छात्र हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, पूरा पैनल आपके साथ खड़ा है। विजय जी को कहूँगा कि आइडियोलॉजी वॉर छोड़ करके वो भी इसी के साथ खड़े होंगे, लेकिन लाखों लोगों की नसबंदी जायज़ है फिर 50 साल पहले? पत्रकारों का जेल में जाना जायज़ है 50 साल पहले? उठा उठा के बच्चों को, बड़ों को किस तरीके से अंडरग्राउंड किया गया जायज़ है? उससे पाप धुल जाते हैं तो क्या लीगलाइज हो जाता है जो मुद्दे आज हैं? मैं मानता हूं तो 50 साल पहले वो चीजें लीगलाइज हो जाती हैं, जो इमरजेंसी का काला दौर हमने देखा। अनिल यादव जी, देखिए, पत्रकारों को जेल में डालना न तब जायज था ना आज जायज है,
मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आज आज शुरुआत करते हैं, ठीक है, चलिए आप हम अपने पास की गलतियों से ही शुरुआत करते हैं। हमारे नेता ने तो बड़े दिन दिखाते हुए कहा कि भाई ठीक है, ये आपातकाल जो है वो नहीं होना चाहिए था। आप भी कहिए ना, 10 साल का जो कार्यकाल इनका है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहे या इनके कोई बड़े नेता कहे, इतना बड़ा दिन दिखाए, नहीं कह सकते इन्होंने तो। ये तो वो लोग है जिन्होंने 52 साल तिरंगा नहीं फहराया था, लेकिन आज भी उस पर माफी नहीं मांगेंगे। ये तो वो लोग है जो देश आजादी सर, वो जो डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड वाली जो आप बात कह रहे हैं, तो आलोक जी चाहे वो डिक्लेयर्ड हो चाहे अनडिक्लेयर्ड हो, फिर तो ना आप बैठे होते वहाँ बात करने के लिए, ना मैं यहाँ बैठा होता, दोनों जेल में होते अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर आज भी ये कह रहे हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, हुआ क्या था, क्यों याद करना चाहिए, मुझे एक बात बताइए निष्पक्ष आवाज। देखिए सचिन जी, मैं बहुत सम्मान के साथ, क्योंकि मैं आमतौर पर आपने देखा है मैं पॉलिटिकल बहस में नहीं पढ़ना चाहता, और अनिल जी से मैं माफी चाहता हूँ कि मैं अपनी बात पत्रकार के नाते कहूंगा, और चूंकि मैं गवाह रहा हूँ उस समय, ये ठीक है कि मैं एजेंसी में काम करता था तो अखबार पे जैसे ताले लगे, एजेंसी तो बाद में विलय कर दी गई हिंदी की अंग्रेजी के साथ मिला करके, मैं हिंदुस्तान समाचार में तब था, और इसलिए ये कहूंगा कि उस समय जितने बड़े पैमाने पर कुलदीप नायर तो इंदिरा गांधी के साथ काम किए थे, तो इसलिए मैं पत्रकारिता की बात पहले कर रहा हूँ। छात्र आंदोलन आज से ज्यादा बड़ा तब चल रहा था, अनिल जी शायद आपको नहीं याद है, नहीं तो आप पढ़ लीजिएगा, मेरी भी किताबों में जिक्र है, और इसलिए आज का आंदोलन नहीं, उस समय आंदोलन था तो अभी इमरजेंसी नहीं लगाई हम, और आप छात्र आंदोलन रोज इंडिया न्यूज या सारे चैनल्स कितनी बुरी तरह सारा पर्दाफाश कर रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल ही कर रहा है, अखबार कर रहे हैं। ये छूट जो आज है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और जेलों में कौन है, अरविंद केजरीवाल, आज भी हाईकोर्ट ने जमानत से इनकार किया, ये कोई आलोक मेहता या मोदी जी अकेले नहीं हस्ताक्षर करके दे सकते। मेरा ऐसा मानना है कि जो हुए, और उस समय कौन गिरफ्तार हुए, मोरारजी देसाई, भूल रहे नाम उनका, उनके सबसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके प्राइम मिनिस्टर बाद में बने, ऐसे ऐसे नेताओं को जो इंदिरा गांधी को बनाने वाले थे वो सब जेल में थे। आज की तरह नहीं, आपके प्रतिपक्ष कह रहे हैं वो तो अपने पक्ष, चंद्रशेखर कौन थे, चंद्रशेखर का नाम तो आप जानते होंगे, आप युवा हैं, मुलायम सिंह कौन थे, जेल में थे। इसलिए मेरा ये कहना है कि देखिए, और मैं पत्रकारिता की एक दो बात कहूंगा, ज्यादा समय और अभी अपने और मेहमान हैं। इंदिरा गांधी ने, मैं तो मैंने कहा ना, और मैं गुजरात में भी रहा, नरेंद्र मोदी जी भूमिगत रह करके जेल में, नाम बता रहा हूँ, विक्रम राव, जो बड़ौदा डायनामाइट कांड में जिनको भी जेल में भेज दिया पत्रकार होने के नाते, क्योंकि जार फर्नांडिस उनसे मिलने गए थे, ये संयोग है सचिन जी कि शायद मैं भी जेल में होता, चूंकि एक रात मैं भी उनके यहाँ जाके रुका था, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था जांच कब आएंगे, मेरी उम्र तो 23 साल की थी, मैं गया बड़ौदा अहमदाबाद से, गांधीनगर में पोस्टेड था 6-8 महीने के लिए, तो मुझे कहा गया कि भैया जी मिल सकते हैं, तो वहां मरना हो सकता है, जैसे जार फर्नांडिस गिरफ्तार हुए, विक्रम राव हुए, बाद में चूंकि मैं तो अलग काम था और मेरा कहीं संपर्क नहीं था उस तरह का, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता ना तब था ना आज हूँ, इसलिए मैं एक इंदिरा गांधी ने जो बोला वो सिर्फ कहूंगा, उसके बाद बहस को आप चलाइएगा, और जो मेरी किताबों में भी मैंने लिखा है, और उस समय मैं राज्यसभा भी कवर करता था, पार्लियामेंट कवर करता था, आज पार्लियामेंट में बहस चल रही है इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को लेकर, आप रिकॉर्ड में देख लीजिएगा अनिल जी, 22 जुलाई 1975 इमरजेंसी लगाने के एक महीने बाद जी क्या कहा उन्होंने, कहा एक से मुझे दीजिएगा 2 मिनट, उन्होंने कहा पहले जब अखबार नहीं थे तो आंदोलन नहीं थे, अखबार आज उसको मीडिया शब्द डाल दीजिए, दरअसल आंदोलन अखबार के पन्नों पर है, अगर आप जानना चाहते हैं कि अखबारों पर सेंसर क्यों लगाया गया तो उसका जवाब यही है, मुझे इस बात में थोड़ा भी संदेह नहीं है कि मीडिया लोगों को भड़काते हैं, वे सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हैं, उन्होंने का प्रेस उनकी सरकार मतलब जिस तरह से जो है उसके खिलाफ काम करता है, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रेस झूठा मनगढ़ंत बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश करने की, देश की गरिमा गिराने का काम करता है, अधिकारों पर जोर देने और जिम्मेदारियों को भूल जाने से भयावह स्थिति पैदा हो जाती है, और ऐसा सब हो रहा है, सकारात्मक खबरों के लिए मीडिया में जगह नहीं है, जबकि झूठ और देश की गरिमा गिराने वाली खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, इससे देश कमजोर होता है और लोगों का मनोबल गिरता है। प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा गिराने और विपक्ष को दिशा निर्देश देने का जो काम कर रहा है मीडिया, वो बात कही इंदिरा गांधी ने, आज आप बताइए इनमें से कौन सी बात कितने लोगों को कर रहे हैं, आप मीडिया को, ठीक है राज्यों में बहुत होता है, बताइए कई मुख्यमंत्रियों को हमने झेला है जो सत्य करते हैं, इंदिरा गांधी को कोट कर रहा हूँ, और मेरा भुगता हुआ, मैं जेल नहीं गया, कुलदीप नायर जैसे संपादक जेल गए, अजीत भट्टाचार्य
कितने संपादकों के नाम है, लोग अखबारों में एक एक लाइन जाती थी, लोकल न्यूज की खबरें भी सेंसर पर जाती थी। फीचर मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में, बाद में जब एजेंसी आगे बढ़ गई, एजेंसियां विलय हो गई, मैं उसके बाद साप्ताहिक हिंदुस्तान में था। फीचर यदि आप लिख रहे हैं कि माँ बाप के बारे में, तो उसका भी फीचर जाता था पहले सेंसर के लिए जी। उस तरह का क्या आज है? इस तरह की तुलना करके लोगों को धोखा दे दिया जाए, मतलब खौफ किस तरीके का वो था, आलोक जी की बातों से वो साफ नजर आता है। जो हमने वो खौफ ना महसूस किया ना महसूस कर सकते हैं। विजय जी आऊंगा आपके पास, लेकिन शर्मा जी एक कमेंट आपका, देश को याद तो दिलवाना चाहिए ना कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था देश के साथ। बहुत ही गलत था वो काला दिवस यदि आज मनाया जा रहा है तो। ये बहुत ही बात सच्चे है कि वो दिन जो है, मैं तो जन्म नहीं लिया था, 77 में हट गया था, मैं 78 में जन्म लिया, उसी याद का तो ये। बट ये जब जब सुनता हूँ, जब कुछ पुरानी तस्वीर देखता हूँ तो रू कांप जाता है। लेकिन जिस तरह से देश में इस मुद्दे को यदि बार बार उठाते हैं तो ये आपातकाल एक ऐसी गाय है जिसका दूध निकाल निकाल के निचोड़ दिया गया है। अब ये मुद्दा नहीं रहा, ये ऐसी काट की हांडी है जिस जो काट की हांडी बार बार नहीं चलेगी और वह चल चुका है काट। तो ये जो है अब इसमें ये है कि मेरा आपातकाल का दामन कितना कम है गंदा, और तुम्हारा आपातकाल का दामन कितना कम है। देखा जाए तो 1975 में जो आपातकाल लगी थी वो आज 10 साल में जो आपातकाल जैसी स्थिति जो दिख रही है, जिस तरह से काला कानून, जिस तरह से महंगाई, जिस तरह से बेरोजगारी, 150 MPO को जिस तरह से अरेस्ट सस्पेंड कर दिया गया, जिस तरह से ईडी CBI का मिसयूज किया गया, जिस तरह से चंदा लिया गया बलजोरी करके, जिस तरह धमका कर ईडी CBI का मिसयूज करके, तो ये वो आपातकाल और ये आपातकाल दोनों ही है। अब इस मुद्दे को, गड़े मुद्दे को उखाड़ने से कुछ नहीं है। अब यदि गड़े मुद्दे को उखाड़ेंगे तो सिर्फ मिट्टी ही मिलेगा, और मिट्टी में कुछ नहीं रखा है, लेकिन असली जो मिट्टी है वो आगे का भविष्य, जो नए जनरेशन जो है, जो हमारे जैसे लोग है जिसने आपातकाल को नहीं देखा है, नहीं समझा है, और इसको तो वो उन लोगों को हमें इस आपातकाल से ज्यादा हमारे को रोजगार, हमारे को सस्ता सामान, हमारे को जीने के लिए अच्छी शिक्षा, हमें एक अच्छा एग्जाम, हमें अच्छा हॉस्पिटल, हमें अच्छा जो थीक, है थीक, ये चाहिए थीक, हमारे लिए। ठीक विजय जी, ये चाहिए जो कि यादव जी जो कि यादव जी आपसे मांग रहे थे कि तब इमरजेंसी के दाग धुलेंगे। मैं आऊंगा आपके पास विजय जी और अनिल यादव। हाँ जी, सबसे पहले मैं अनिल यादव जी को जवाब देना चाहता हूँ। ये बातें करते हैं अघोषित उसकी, आप मुझे बताइए, देश के संविधानिक रूप से जिन्होंने ओथ ले रखी है देश के प्रधानमंत्री, उनको आप नीच बोलते हो, मौत के सौदागर बोलते हो, उनकी जाति पर आधारित बात बोलते हो, है इससे बड़ी आजादी कहीं हो सकती है क्या देश में? आप तरह तरह की झूठी बातें करते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाके आप माफी मांग लेते हो, फिर आप कहते हो कि यहाँ अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। अब मैं इनकी सारी बातों को बताता हूँ। आज लालू यादव जी की बेटी का नाम क्या? मीसा भारती। तो मीसा किस नाम पे रखा था उन्होंने? तो आज वो उनकी गोदी में बैठे हुए हैं। दूसरी है, बोलते हैं मणिपुर की बात है, मणिपुर पर जब बहस हुई थी संसद में तो इनको क्या हो गया था, क्यों भाग गए थे संसद छोड़ के? आज इनके जवान पे जो है दही जमी हुई है, ये वहां पे 56 आदमी मर गए तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि वो इंडी गठबंधन इनका सहयोगी है DMK, इसलिए इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। ये इसके ऊपर मंच के ऊपर यहाँ बोलते हैं TV के ऊपर कि ये निंदा करते हैं, एक किसी को एक रुपए का इन्होंने कुछ किस तरह की सहायता नहीं की, तो ये इस तरह की ये क्या? अभी देखिए आप 72 साल में स्पीकर का, जो स्पीकर सबका होता है, पूरी संसद का होता है, उसका इलेक्शन करवा रहे हैं शर्तों के साथ। आप मुझे बताइए, आपकी कर्नाटक में, तेलंगाना में कहाँ डिप्टी स्पीकर आपने उसको विपक्ष को दिया है जो आप यहाँ मांग रहे हो? 10वीं लोकसभा तक आपने देखा होगा किस तरह से स्पीकर भी और डिप्टी स्पीकर भी इनके पास रहा है, किस तरह से आपने जिस जज ने आपके खिलाफ फैसला दिया उससे चिड़के आपने उसको बाईपास करके आगे चले गए। तो इस तरह से मुख्यमंत्री जेल की बात करते हो, कि आप ये पूरा देश नहीं जानता है क्या? तो आपके ये मुख्यमंत्री हैं, इनके फादर जो है सोरेन साहब, बड़े जो है शिबू सोरेन, वो जेल में किस आधार पे गए थे? करप्शन पे नहीं गए थे क्या? मुलायम सिंह के खिलाफ किसने CBI जांच बैठाई थी, ये आपको नहीं पता है क्या? 3% से भी कम ऐसे मुकदमे जो राजनीतिक लोगों के खिलाफ है, तो आप बात करते हो, तो आप भैया बात करो अपने परिवार बचाने की, भ्रष्टाचार को छुपाने की। नहीं ठीक है, वो तो केजरीवाल को जेल पहुंचाने का क्रेडिट भी कांग्रेस लेती है। फिर भी अनिल यादव,
मैं देखिए मैं पॉइंट वाइज पॉइंट जवाब दूंगा। पहले जो पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार मेहता जी कह रहे थे कि पत्रकारों को जेल में डाला गया, आपने कप्पन का नाम सुना होगा, उसका कसूर उतना था कि जो हाथरस की बेटी थी उसको कवर करने जा रहा था और उस पर एनएसए लगाया गया इसी सरकार द्वारा, और फिर बाद में बरी भी हुआ। तो ये आपातकाल नहीं है, एनएसए लगाया, एनएसए आप समझ रहे हो, और एक बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी लाश को जबरदस्ती जलाया जाता है, वो उसको न्याय दिलाने की बात कर रहा था। ऐसे ही एक पत्रकार ने स्कूल में नून रोटी खिलाई जा रही थी उसकी खबर चला दी, तो वहां पर उनको भी अरेस्ट कर दिया। एक पत्रकार की तो पिटाई कर दी गई मध्य प्रदेश में, मार मार के उसके नंगा कर दिया, उसकी फोटो भी वायरल कर दी गई। तो ये आपातकाल नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनका ठीक है हमारा गलत है या हमारा ठीक है उनका गलत है, पैमाना तो एक होगा ना। आप, मैं कह रहा हूं कि उसकी निंदा कर रहे हैं तो आज की भी निंदा करनी चाहिए ना। और आप, क्योंकि आपने कहा कि भाई मैं बतौर पत्रकार बैठा हूं, तो मुझे बड़ी प्रशंसा होगी कि आप कहें कि ये भी गलत हो रहा है, ये जो 10 साल का कार्यकाल है इसकी भी निंदा होनी चाहिए, तो हम आपके साथ हैं पूरी तरीके से। और भाई साहब अभी कह रहे थे मणिपुर की बात कर रहे थे, आज तक प्रधानमंत्री नहीं गए, क्या मणिपुर हमारा हिस्सा नहीं है? आज राहुल गांधी जी की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है कि आज मणिपुर का डंका आज पार्लियामेंट में बजाया, वहां पर जब सांसदों ने शपथ लिया कांग्रेस के सांसदों ने। अभी ये स्पीकर की बात कर रहे थे, अरे भैया हमने तो सुबह आपसे राजनाथ जी ने जब बात करी तो हमने कहा कि भाई हमें डिप्टी स्पीकर आप दे दीजिए, हम आपके साथ सहयोग से चलेंगे, और आप कह रहे हैं कि जी तब तक नहीं होता था। अरे लगभग 50 साल से तो यही होता आ रहा है ना कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर दिया जाता है, तो आप क्यों वापस 50 साल से भी वो तो दे रहे थे, वो तो राहुल गांधी कह गए, खड़गे साहब से बात नहीं हुई, उनकी बात नहीं हुई थी रिटर्न कॉल की, वो तो दे रहे थे, मुद्दा वो नहीं है अब, वो ठीक है। अब बात सचिन जी, इनको बताइए कर्नाटक में इन्होंने विपक्ष का दे दिया क्या, आप मुझे बताइए, भैया मैं आपके लिए बताइए, अगर इनसे बात होगी तो रिटर्न कॉल हो गया शुरू। सरकार है केरल में भैया, शर्मा जी आपके बीच में एक सरकार उन्होंने खराब हो जाएगी, सुन लो 10 सेकंड दे दो मुझे, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप कर लेना। आप कह रहे थे जजेस को अपॉइंटमेंट दी, रंजन गोगोई को आपने राज्यसभा भेजा, क्या क्या मामला था उनके हाथ में? उनके हाथ में राफेल की जांच चल रही थी, उस जांच में आपकी सरकार बिल्कुल नग्न हो जाती है और सारी कलई आपकी खुल जाती, इसलिए आपने रंजन गोगोई को राज्यसभा भेज दिया। और भी मामले थे, सीबीआई का भी एक मामला था, तो उस पर पड़िएगा कि आपने कैसे आपातकाल लगाया, अघोषित आपातकाल लगाया। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, हम अपना इतिहास इसलिए याद करते हैं जिससे कि अगर कहीं अच्छा किया हो तो उससे प्रेरणा ली जा सके, और अगर गलत किया हो तो उससे सीखा जा सके। हमने ये सीखा है, हमारे नेता ने तो कहा भी कि भाई हमसे गलत मानते हैं, और हमने ये सीखा है कि लोकतंत्र की रक्षा कैसे करनी है। वहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने यह सीखा है कि नाम बदल के किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करनी है। आप मुझे बताइए ना, विपक्ष के जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की सदस्यता एक झूठे आरोप पर रद्द करवा दी गई, भाई उनका मकान खाली करवा दिया गया, क्या आप रोक पाए? लोकतंत्र नहीं रुकता किसी से, आपके कर्म आगे आ रहे हैं ना। आज जनता आपको, आप तो 370 की बात करते थे, आपको लाई है ना 303 से भी नीचे ला दिया, तो इसी तरीके से चीजें चलती है। ठीक ठीक ठीक, क्योंकि आपने आलोक जी का नाम भी लिया था तो उनका हक भी बनता है सबसे पहले, क्योंकि विजय जी ये आपको रिबटल कर रहे थे, एक छोटा जवाब दीजिएगा फिर आलोक सर। जी जी देखिए देखिए, इनसे पूछिए जरा, उनको अयोग्य किसने ठहराया? वो कोर्ट ने ठहराया और कोर्ट ने उनको वापस रिस्टेट किया, तो झूठ ना बोले यहाँ। तो आरोप किसने लगाया? आरोप तो आपके बीजेपी के नेता ने लगाया ना, आप ऐसी बात मत कीजिए। कोर्ट ने उनको गिल्टी होल्ड किया, झूठा आरोप आपके भाजपा के नेता ने लगाया। नहीं नहीं देखिए, अब आप बीच में मत बोलिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आप किस तरह की बात? मणिपुर में जब आप हम बहस कराते हैं आप भाग जाते हो, फिर यहाँ मणिपुर चिल्लाते हो आप, आपका देश का देखा नहीं है, आप संविधान से ऊपर समझते हो। अभी आपने एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पे, इसका मतलब आप खुद प्रभावित करते हो फैसलों का, इसलिए आपको ये चलन हो रही है कि कोई अगर कोर्ट फैसला आपके हक में ना दे, आपके मनमाफिक ना दे, तो वो कोर्ट बिक गई, वो जज बिक गया। मैंने तो कोई बिकने की बात नहीं करी, मैंने तो बताया है ये हुआ। अगर आप जीत जाते हो तो ईवीएम मशीन ठीक, अगर आप हार जाते हो तो ईवीएम मशीन खराब। ऐसी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई पत्रकार निर्भीकता के साथ स्वतंत्र रूप से अगर कोई क्वेश्चन पूछता, कहते आप बीजेपी का पत्रकार हो, ये मैंने देखा आपकी उसमें, तो इस तरह की आप घिनौनी बातें करते हो, जहाँ ऐसी बातें करते हो, आप पहले एक 10 सेकंड में इनका जवाब। देखिए मैं इनकी बातें, ये जो भाई साहब कह रहे हैं, मैं तो इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर ऐसा ही है तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का नंबर इतने निचले स्तर पे क्यों है? 159 आउट ऑफ 176 कंट्रीज में है भाई, मतलब ये मानिए कि दुनिया में भारत इतने निचले स्तर पे चला गया प्रेस फ्रीडम के मामले में। 1975 को उस दिन रैंक कितना था भारत का? मैं बता, अब फिर देखिए, अब वही मैं तो उस बात को आप 20 बार कहलवा लीजिए, हम तो कह रहे हैं कि अगर तब वो भाई एक तो, एक तो, तो, तो ये भी कहा गया था अनडिक्लेयर्ड ही सही, ये भी कहा गया था 4 जून को अगर नतीजे हमारे पक्ष में ना आए तो अराजकता हो जाएगी, मीडिया को थ्रेट किया गया था, नहीं कहा गया था?
ये तो शुक्र है आलोक जी की, नतीजे 234 तक किस तरीके से पहुंचे। हालांकि ईवीएम अभी जिंदा है, वरना आप दोनों, आप आलोक जी और मैं, मेरे ख्याल से हम दोनों जेल में होते। अरे सचिन जी, ये तो प्रोटेम स्पीकर को भी डिस्प्यूटेड कर रहे हैं, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। ठीक है आलोक सर, देखिए सचिन जी, अभी चूंकि हमारे अनिल जी ने कहा, हम और आप लगातार किसी पत्रकार पर आज भी कहीं जुल्म होता है तो उसकी आवाज अब भी उठती है, छपती है, और हम भी उसका बिल्कुल गलत विरोध करते, नंगा घुमा के नाचा या उसके साथ जाति की गई। ये केंद्र सरकार के आदेश लिखित सर्कुलर से नहीं है, उस समय लिखित में दिया गया कि जेल भेज दें जो उनके साथ इंदिरा गांधी के सलाहकार थे, उन लोगों को जेल में भेजा गया। आज क्या ऐसी स्थिति है? नंबर वन, तुझे पूरी बात सुनिए, उससे अधिक दूसरी बात, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आज की स्थिति, आज की स्थिति, देखिए आज की स्थिति में इतने अखबार हैं, गुजरात में आज भी, नाम आप लिख लीजिए, संदेश और गुजरात समाचार, पूरे 3 महीने के अखबार उठा लीजिए, टेलीग्राफ अखबार उठा लीजिए, जितनी बड़ी हेडलाइन में विरोध छपता है उतना, और अमेरिकी अखबार जिसको आप, हाँ मैं दूसरी बात आपको कहना, बीच में टोकना नहीं चाहता था, जिस कप्पन अपन फिरका का नाम आप लेते हैं, वो माओवादी चीन के समर्थक नक्सली जो लोग हैं उनको जेल में ही होना चाहिए, उनको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पत्रकार के नाम पर तो CIA का एजेंट उस समय भी था, राजीव गांधी के समय में भी CIA के एजेंट को हम भी उसका विरोध किया, आज भी करते हैं। कोई चीन का एजेंट बनकर के आया जो रिहा कर दिया, जेल में रहा, कोर्ट नहीं, रिहा नहीं, केस चल रहा है, केस केजरीवाल का भी चलेगा, अभी 10 साल आप चला लीजिए, यही न्यायालय है, छोड़ता है फिर पकड़ता है। आप अपराधी लालू यादव ने जेल भेजना छोड़िए, वो जेल में तो ज्यादा कांड में रहे, मैंने छापा उनका, और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया, नवार टाइम्स अखबार पर प्रेस में आग लगाई, किसकी बात करते हैं आप? वो राज्यों में होता है जुल्म, मैं कह रहा हूं, लेकिन क्या आज उसकी तुलना उससे करेंगे? जिस समय लोग जेलों में बंद कर दिए गए, संपादक, उनके परिवार, उनके तनख्वाहें 2-2 हजार रुपए 1 हजार रुपए होती थी उस समय, तो और भी कम थी, बड़े बड़े संपादक इंडियन एक्सप्रेस और जैसे अखबारों में काम करने वाले, गुजरात के अखबारों में काम करने वाले, तमिल के अखबारों में काम करने वाले, मलयालम अखबार में काम करने वाले, उससे तुलना मत करिए। ये कलंकित, और जो विदेशी नाम लेते ना इंडेक्स, आपको जवाब देता हूँ, पैसा दे करके रिपोर्ट मंगवाते हैं भारत से कि भी जुल्म हो रहा है, आप भी पैसा आप ले लीजिए, आपको लिख देंगे नहीं है 180 नंबर पर लगा देंगे। मैं उन नाम नहीं लेना चाहता, जिन मीडिया संगठनों के नाम से वो रिपोर्ट जाती है मैं जानता हूँ, कुछ लोगों ने मना किया कि हम भारत विरोधी चीजें नहीं भेजेंगे क्योंकि आप कहते हैं कि भारत में जुल्म हो रहा है। भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा है, अमेरिकी से पूछ लीजिए, वहां बदल जाता है, ट्रंप आता है तो पार्लियामेंट में घुस जाते हैं केजरीवाल, और आप लोग यही चाहते हैं कि पार्लियामेंट में भीड़ घुस जाए ट्रंप की तरह से, ट्रंप के समर्थकों तरफ से। आप कैसे लोकतंत्र है, आप जीत क्या है, आप सीनियर हैं, जीत क्या है, आपको शर्म आनी चाहिए इसकी बातें करते हुए। राहुल गांधी हर संवाददाता से पूछते हैं, इंडिया न्यूज के संवाददाता से पूछा तेरी जात क्या है, दिल्ली में संवाददाता से पूछा तेरी जात क्या है, जात बताने के लिए हमें इंदिरा गांधी नेहरू ने कभी पूछा था जात हमारी? राहुल गांधी तो उनसे भी ज्यादा बदतर काम कर रहे हैं, इमरजेंसी से बदतर। अब मुझे जवाब दीजिए, बहुत हो गया, अब मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। अगर अगर पिछड़े और दलित समाज के लोग आगे आ जाए तो आपको बहुत आपत्ति है? संख्या अगर देश में देखी जाए तो 80% बैठ रहे पिछड़े दलित आदिवासी मिला के, और अगर आप बताइए ना इस पैनल में गिन लीजिए कितने पिछड़े और दलित हैं यहाँ पर, बताइए कितने कितने दलित बैठे हैं पैनल में, देश की ज्योग्राफी में कितने दलित और पिछड़े बैठे हैं? अनिल, अनिल, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर? दलित हो, पिछड़े हो, कौन सी जाति से हो, या फिर एक अच्छे प्रवक्ता हो, क्या है क्वालिफिकेशन? नहीं, अगर कोई पिछड़े समाज नहीं, अगर नहीं, अगर नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सीधी बात करते हैं ना, अगर नहीं, पेट में सीधी बात करते हैं ना, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो आप क्या चाहते हैं कि भाई हमारे पिछड़े दलित, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी मुझे देखकर भी दिक्कत हो जाए, आपकी कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे अच्छे प्रवक्ता, बहुत सारे, सचिन जी ये तो आजादी भी छीनना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी कहते हैं आप अल्पसंख्यकों को घुसाएंगे वहां पे, एक कमेटी बैठाएंगे, ये इंदिरा गांधी से भी बड़ा जुल्म करना चाहते हैं भैया। हाँ शर्मा जी, आप गलत बोल रहे हैं, मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए, देखिए जिनका मैनिफेस्टो पढ़ी है, मैनिफेस्टो, अच्छा एक एक करके ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है तो एक एक करके ठीक है। शर्मा जी क्या क्वालिफिकेशन है? क्योंकि आप एडवोकेट हैं, क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं, इसलिए आप अच्छा एनालिसिस करते हैं, ये नहीं कि कौन जात हो।
देखिए ये जहाँ से कभी नहीं आता जिसमें टैलेंट होगा टैलेंट वो अपने आप बाहर आता है। यदि अनिल यदि रावण यदि अच्छा टैलेंट का था तो उसको नगीना से लोगों ने जिताया, तो वहां पे कौन सा दलित ज्यादा था? वो दलित क्षेत्र से तो चुनाव लड़े भी नहीं थे नगीना से, तो ये गलत बात है। मेरा ये कहना है कि जो यहाँ पे एक गलत वर्सेस गलत तो है, रॉन्ग वर्सेस रॉन्ग की लड़ाई हो रही है, आपातकाल वर्सेस 10 साल का आपातकाल। अपना हलवाई कभी भी ना तो ये बीजेपी वाला अपना खराब बोलेंगे मिठाई को और ना तो ये कांग्रेस वाले बोलेंगे, लेकिन आलोक मेहता सर जो बात बता रहे उस दिन हमला हम थे ना नील जी आप जिंदा थे ना जन्म लिए थे, तो उनको जो उस समय आप होते ही आपने पिताजी से पूछिएगा कि क्या है मेरे पिताजी उस जमाने के इस आंदोलन के खिलाफ में बहुत आपातकाल के खिलाफ में उन्होंने झंडा उठाया था जेल गए थे। तो इस चीज को मैं सुनता हूँ कहानी, लेकिन बात जहां रही बात इस बात की कि यहाँ पे गलत संविधान कौन सा गलत है, तो कल का जो आपातकाल वो भी गलत था और आज का आपातकाल जो है जो आप जिसको कह रहे हैं तो संविधान खतरे में तो वो भी गलत है, लेकिन आज का आपातकाल जो है फिर भी आजादी है मीडिया को बोलने की, लेकिन उस समय तो अब मीडिया को जेल में जेल भरो आंदोलन हुआ था पूरे 21 महीने पूरा जरा मीसा बंदी आंदोलन हुआ जिसमें और उसके खिलाफ में जितने लोगों को जेल भेजा गया बहुत लोगों को उनके परिवारों से छीन लिया गया नौकरी, उस चीजों को याद कीजिए। और यदि काला दिवस मनाया जा रहा है तो बुरा क्या है, आप अच्छा काम कीजिए, विपक्ष में और भी मुद्दे हैं उसको उठाइए, और ऐसा तो नहीं है कि मीडिया नीट के खिलाफ में नहीं बोली, मीडिया ने खुल के नीट के खिलाफ में बोला, मीडिया ने जो ट्रेन का हादसा हुआ था 250 सेंटर जाके बच्चों को बुला के एक चीज दिखा के डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड जो है तमाम चीजें भी बता के, तो सर हर चीज भी सामने आ रही है, फिर भी उसके बाद अगर यही कहा जा रहा है कि अगर कौन नहीं ठीक है अच्छे से दिखाया था किसान के काला कानून के खिलाफ में भी मीडिया ने बोला, ऐसा नहीं है कि मीडिया नहीं बोलती है, सर मैं तो हर बार दिखाता हूँ और हमेशा चाहे वो अनिल जी हो चाहे अनिल जी हो अपनी आवाज को रखते हैं आगे, आज संविधान बचा रहे हैं और पक्ष से जो है तमाम मुद्दे और भी पूछ रहे हैं। उस वक्त जैसा आपने अपने पिताजी का याद दिलवाया कि वो गए थे उन्होंने झंडा उठाया था इमरजेंसी काले कानून के खिलाफ, हो सकता है इनके पिताजी भी शायद कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे, हो सकता है जेल गए हों, अनिल जी फिर उसके बाद विजय शर्मा। देखिए मुझे लगता है कि पूरे पैनल में मैं शर्मा जी की बात से काफी हद तक सहमत हूँ कुछ बातों से, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई वो भी गलत था और ये भी गलत था और बिल्कुल ठीक बात है नहीं होना चाहिए। मैं पहली ही सेंटेंस से इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन एक भी ना भारतीय जनता पार्टी के जैसे हमने कहा भाई यदि कोई गलत हुआ है तो उसको उसको उसकी पूरी आपको पुरजोर तरीके से कहना चाहिए कि नहीं ऐसा दोबारा नहीं होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार भी कहा, इतने मैंने इंसिडेंट गिनवाए, एक बार भी उन्होंने कहा कि उन्होंने कि भाई अपनी गलती मानी मणिपुर पर, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा है, आपने डिबेट क्यों नहीं करी, कम से कम ये तो मानिए कि देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था गलती करी भाई नहीं करे। सर इमरजेंसी का जवाब नहीं, अब ये तो ऑरेंज का जवाब एप्पल हो गया ना सर। सर ये कह रहे ये कह आपने कहा मणिपुर, वो कह रहे अमित शाह ने गृह मंत्री ने चर्चा करवाई थी, आप कह रहे हैं कि छात्रों का भविष्य, वो कह रहे देखो जी जांच हो रही है सीबीआई बिठा दी, आप कह रहे हैं कि पत्रकार, मैंने कहा पत्रकार तो देखो फिर हम यहाँ बैठ के सवाल पूछ रहे हैं। चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है ये किसी अमित शाह जी धर्मेंद्र प्रधान जी के नाम पे नहीं लड़ती, मोदी जी के नाम पे लड़ती है। मुझे बताइए देश के प्रधानमंत्री को क्या क्या इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जहां पर लाखों छात्रों का भविष्य अधर में हो, क्या प्रधानमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट आया है एग्जाम्स के ऊपर कि भाई हम इस तरीके की चीजें बना रहे हैं? लोगों में कैसे भरोसा होगा? एक परीक्षा लीक होती है अगले दिन एक पोस्टपोन हो जाती है, भरोसा गिरने की जगह। विजय शर्मा छात्रों की इमरजेंसी, विजय शर्मा ये कह रहे हैं छात्रों के इमरजेंसी डाउन के मामले में, सुन तो लीजिए इंटरनेट इमरजेंसी नहीं छात्रों के दुनिया में, ठीक है हालांकि सीबीआई जांच कर रही है, हाँ ठीक है विजय शर्मा से जाओ, हालांकि सीबीआई जांच कर रही है लेकिन पीएम ने नहीं बोले इसलिए छात्रों के इमरजेंसी। विजय शर्मा होता है अनिल जी सुनिए देखिए हमारा काम बोलता है, मणिपुर में हमारे होम मिनिस्टर 3 दिन कैंप में रहे थे, हमने उसके बाद वो सुन लीजिए सचिन जी इनको चुप कराइए, बोलिए गृहमंत्री का फेलियर था, बात की नीट के ऊपर, आप नीट के ऊपर बात, आप मुझे बताइए जब आईएएस आईपीएस के एग्जाम होते थे 91 93 में भी ये लीक होते थे और सुप्रीम कोर्ट निरस्त करता था, लेकिन
हमारे माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा करोड़ रुपए तक बना रहे सीबीआई जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है सब जुडिस है, तभी मैंने कहा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बॉलते कम करते ज्यादा है काम। आप कभी लॉ जब उस बार राजस्थान में 20 बार पेपर लीक हुए, आप मुझे बताइए क्या किया? तो आप ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। हम तो काम करते हैं, हमने ऐसा काम कर दिया कि बार तो भाई उत्तर प्रदेश में फेल हुए हैं भाई। लास्ट कमेंट के लिए आलोक जी आपके पास आ रहा हूँ। मतलब ठीक है, सब कुछ चल रहा है, फिर सब कुछ सब चीज का जवाब भी है, फिर भी इमरजेंसी है और हम दोनों बैठे हैं सर। लास्ट कमेंट देखिए, मैं तो इतना निवेदन करूंगा कि रायपुर चले जाएं, यशवंत धोटे नाम है वो, धीरे पत्रकार से लेकर के अब मालिक भी हैं, संपादक भी हैं और बने। दिल्ली में कई ऐसे पत्रकार हैं, अब नाम लेंगे तो उर्वलेश हैं, अनिल यादव जी तो उनको जानते होंगे, मैंने नहीं उनकी जाति का, मैं उसके आधार पर मेरे साथ काम नहीं किया उन्होंने। ऐसे कि दिलीप पंडल अभी अपने चैनल पर आए थे, तो मतलब ऐसे अनगिनत लोग हैं जो आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को लिस्ट बना करके मैं उनको जाति के नाम पर कभी मैंने उनको नहीं पेश किया, कभी सोनिया गांधी से मिलने किसी को भेजा, तो ये नहीं कहा कि जाति का है। छोड़िए, नेशनल हेराल्ड अभी निकला, एक मिनट, नेशनल हेराल्ड निकाल रहे राहुल गांधी रिपब्लिक, उन्होंने अपनी जो कंपनी बनाई न्यू इंडियन, मेरे ही साथी काम करते हैं, उनमें से कोई दलित नहीं है न पिछड़ा वर्ग का है। माफ कीजिए, राहुल गांधी पहले अपने जो चार लोग रखते हैं उनमें से किसी को रखा है दलित को? दूसरों को हमको भाषण देते हैं और मैं तो कहता बहुत योग्य है उनको, जिन्होंने कहना की जाति पर रखा जाए। उदाहरण है कि पूरे पैनल में एकमात्र पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति बैठे हैं। सारे लोगों में आप अपनी सारी आप सर्वे करते हैं, आप 50 लोग सर्वे करते हैं तो आप कहते हैं कि 50 लोग में सर्वे देश का नहीं हो सकता है, चुनाव का जो आकलन होता है द्वारा, और आज आप चार आदमी में एक आदमी कर रहे हैं, आपको पता है आलोक सर पहले कहते थे कि पीएम बोलते बहुत है, बोलते बहुत है, हमने ऐसा पीएम नहीं देखा, हमने ऐसा पीएम नहीं देखा, पहले ये कहते थे, अब ये कहते हैं कि पीएम चुप क्यों हैं। तो ऐसे में सवाल वही आ जाता है कि इमरजेंसी तो कांग्रेस ने लगाई थी, एक इतिहास है, याद तो आता ही है, काला इतिहास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने